हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्पर्श जीसस, ये क्या लिखा है? क्रिसमस की याद आ रही है क्या तुम्हें? नहीं सर, वो गलती से टाइप हो गया सर, वो मेंस लिखा था, जेई मेंस। बच्चों स्पर्श को बहुत चिंता है तुम्हारे जेई मेंस की, तुम्हें हो ना हो। कल अनाउंसमेंट नहीं हुई वो कल उसका कुछ नहीं बताया, मैं तो हैरान हूँ, इतनी इनकंक्लूसिव। ये तो सिर्फ जैसे ना एचआरडी मिनिस्टर को देखना था कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं, इसलिए वो लाइव आया था और गप्पे मार के चला गया। नहीं सर, उसके बाद पीआईबी की साइट पे डला था एक, वो मतलब उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि हाँ, वो तो मुझे आइडिया है कि कुछ लिखी हैं चीजें। हाँ हाँ, वो मेन स्टार बारी होएगा, 90 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 75 अटेम्प्ट करने हैं। यार उन्होंने ना बड़ा डिप्लोमेटिकली किया है कि ये प्रपोजल है कि हम कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, कंसीडर कर रहे हैं जी सर। मतलब कंक्लूसिव नहीं किया ना, वही तो कह रहा हूँ। मतलब प्रॉब्लम इज कि राइट नाउ दे आल्सो डोंट नो। हर चीज का आंसर कल यही था कि बोर्ड एग्जाम्स लेट हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं एग्जाम, सिर्फ उसने इतना बताया कि हाँ एग्जाम होगा, मगर बच्चों ने पूछा था एग्जाम कैंसिल होगा तो उसने कहा नहीं कैंसिल नहीं होगा, एग्जाम तो होगा और सिलेबस कट हो सकता है। हाँ हो सकता है, हम देख रहे हैं बस, अब बाकी सब चीजें तो देख रहे में ही है। सर वो जो फोर टाइम्स जसनूर, तुम हो आज क्लास में? ये जसनूर क्यों नहीं आ रहा आजकल क्लासेस में? आउट ऑफ स्टेशन है सर शायद, पता नहीं, टेलीग्राम पे मैंने एक दो मैसेज करे थे तो उसके ये लिखा रहा था आउट ऑफ स्टेशन, अच्छा कोई बोट लगाया हुआ था उन्होंने। सर वो फोर टाइम्स वाली मतलब जो मुझे लग रहा है शायद वो लग रहा है कि हो जाएगा फोर टाइम्स। लग रहा है मतलब कि चलो वो करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। और उसमें तो कितने लोग तो 100% वाले हो जाएंगे फिर। से मतलब इसका नुकसान है फोर टाइम्स का? नहीं कुछ नहीं है, मतलब एक ही बात है, मतलब इसका कुछ कह नहीं सकते, फायदा भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई लोग हैं उनको उन्होंने दे दिया, उनका अच्छा हो गया, उन्होंने दोबारा नहीं दिया, नहीं बट वो भी नहीं हो सकता क्योंकि रिजल्ट तो इकट्ठे ही निकलता है ना, पहले तो बताते नहीं। नहीं नहीं बता देते हैं, हाँ हाँ बता देते हैं। तो
ये है कि मान लो किसी ने दे दिया उसका अच्छा हुआ है तो वो तो नहीं देगा, तो अगले बार जो दे रहा है उसका मतलब अच्छा रैंक आने का चांस बढ़ गया ना। और एक ये जरूर होता है कि जब इतने ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं ना, मतलब जैसे अब उनको इतने क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे वो, तो फिर पेपर इजी होता है, मतलब जनरली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही रिपीट होते रहते हैं, इतने क्वेश्चंस बना लाने ही बहुत मुश्किल है। वो प्रैक्टिकली वो फिर सेम ही चीज रिपीट होती जाएगी, मतलब तो मतलब आपके लिए जैसे जिसने प्रॉपर तैयारी की है उसके लिए तो अच्छा है, मतलब ज्यादा अच्छी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज है। अभी तक तो कुछ नहीं कोलाइड कर रहा, अभी तक तो बढ़िया ही है आपके हिसाब से, क्योंकि वो फेब एंड में ही कह रहे हैं, आपका भी फेब एंड तक ही है ऑलमोस्ट, है ना। बाकी जब क्लैरिटी आएगी देख लेंगे, मुझे तो पहले ही पता था कि फेब एंड है, मैंने वही सोच के बनाया था। हाँ चलो, हाँ फिफ्टी 54 तक किया था हमने, राइट। सेवेंथ बिना डायटोमिक के भी हो रहा है। शोभित एक को जो आपका डाउट था अभी ना एंड में पूछ लेना। यस सर। ऐसे हाँ हो सकता है ना बच्चा, देखो मेरे को ना तुम्हारे पे भरोसा करना नहीं चाहिए। ये देखो हो जाएगा ना, कैसे देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, वो सीपी माइनस सीवी तो आ ही जाएगा, मतलब जान के ऐसा बना हुआ है कि जिसमें जरूरत नहीं पड़ रही, अगर कोई भी टेम्परेचर रेंज अलग होती फिर ना होता। तो ठीक है, बिल्कुल गुड शोभित। हाँ बच्चों 54 के आगे बच्चों आपके एडवांस का रिजल्ट आ गया टेस्ट वन का। अच्छा मैं अभी करवाता हूँ, मैंने करेक्शंस तो करवा दी थी सारी। फिफ्टी वन एनर्जी कंजर्वेशन है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल वाले में कन्वर्ट हो गई। सर अपने आप स्टॉप है, ये क्या कह अपने रहे आप हो? स्टॉप, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी इस पे। मतलब फोर्स तो झटके से रोक दिया ना उसको।
अपने आप हो रहा है हाँ, कि अपने आप उसने जैसे एक तरह से ब्रेक लगी है कुछ। अच्छा अपने आप हो रहा है हाँ बच्चों आगे कौन सा, तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी का 12th बी ऑप्शन, हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द पाथ बी सी डी। तो बच्चों ये बी से डी तक हम कैसे बता सकते हैं, एक तो आप डेल्टा यू निकाल सकते हो और एक डब्ल्यू, मतलब एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है बट रफली तो आपको आइडिया लग ही जाएगा ना कि कितना हो रहा है, या फॉर दैट मैटर दोनों ही नेगेटिव है ना, डेल्टा यू भी नेगेटिव है डेल्टा डब्ल्यू भी नेगेटिव है, तो उससे पता चल गया। सिक्स तुम्हें बच्चों क्या कह रहे हो, आर की जगह के आएगा, अब बच्चा आप ये देख रहे हो कि सिक्स्थ क्वेश्चन और एक हमने जो अभी इससे जस्ट पहले बात की थी वो 2003 वाला ऑलमोस्ट रिपीट हो गया ना, तो बहुत रेयरली कभी कभी तो रिपीट हो जाते हैं और बहुत बड़ी बात है, मतलब वो तो फिर आपका 100% ठीक होना चाहिए। अच्छा आप कह रहे हो एम मॉलिकुलर मास लिखा है इसलिए बच्चों गड़बड़ हो रही है, इसके अंदर मोल भी तो बननी है, वन मोल है हाँ, तो मतलब मास तो टोटल एम ही हो गया तो आर आएगा। नहीं नहीं इन्होंने मॉलिकुलर मास लिख दिया ना, मोलर मास लिखा होता फिर जो आप कह रहे हो वो ठीक हो जाता शायद, है ना। डिनोमिनेटर में कैपिटल एम इनटू एन ए आ रहा था, हाँ वही कह रहा हूँ मैं कि जब आप एनर्जी कंजर्वेशन करोगे हाँ जी, हाँ तो मास में कैपिटल एम इनटू एन ए आएगा ना इस लैंग्वेज के हिसाब से। सर जैसे हम ऐसे मतलब कोई और केस जैसे ऑक्सीजन का मैसेज बोल देते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, तो मतलब इससे तो बस वो ये बताना चाहते हैं कि 32 एक मोल का 32 ग्राम होगा। नहीं नहीं मॉलिक्यूलर नहीं लिखते ना उसको, तो मोलर लिखते हैं, मॉलिक्यूलर का तो मतलब ही ये हुआ एक मॉलिक्यूल का, इजंट इट, वो तो सही है मतलब एम एएमयू कह एएमयू हां हां वो तो मतलब जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, हम तो मतलब टोटल मास के साथ देखेंगे ना इसको, मतलब सीधी बात यह है कि ऑब्वियसली इन ऑप्शंस में से तो इसी को करना पड़ेगा और अदरवाइज तो इट शुड बी क्लियरिफाइड, मतलब ये तो गड़बड़ है ही लैंग्वेज। सर इसमें एक और ऑप्शन भी सही है तो हम ये करेंगे फिर? नहीं 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 करना चाहिए। हाँ बच्चों आगे
16th question. इसके देने हाँ 16th पूछो डाउट क्या है इसके अंदर ये पूछने मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू वर्क डन बाय गैस क्यों नहीं कर सकते हैं? ये मतलब है ये वैलिड है इसके अंदर मेरे को नहीं मतलब वैलिड नहीं एक्चुअली क्या चक्कर है इसमें ना जैसे ये जो लिखा हुआ है गैस इज एट टेम्परेचर T1 प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 स्प्रिंग इज इन इट्स रिलैक्स्ड स्टेट यस इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो राइट साइड वाली जगह है इसके बारे में आपको कुछ बताया नहीं कि क्या है यहाँ पे वैक्यूम है या कोई एयर है लेकिन मतलब अगर हम ये वाली लाइन पढ़ते हैं कि ये जो दिया हुआ है कि स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में है तो इससे ऐसा लग रहा है कि एज इफ ये जो राइट साइड वाला रीजन है वहाँ पे गैस है वहाँ पे है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 यस इसलिए वो जो आप कह रहे हो वो वर्क डन इक्वल नहीं आ रहे गैस और स्प्रिंग के मतलब वो जो वर्क डन मतलब क्यों नहीं कर सकते हम कहाँ पे जा रही है मतलब ऐसे वो... मतलब अब जो ये लेफ्ट साइड वाली गैस वर्क कर रही है यस सर अब वो स्प्रिंग के अगेंस्ट भी जा रहा है और इस गैस को भी पुश करने में जा रहा है ना Yes. यहाँ ना होता फिर वही होता पर इसके अंदर जब फाइनल जो स्टेट है उसके अंदर भी P1 ही लेंगे ना गैस का प्रेशर तो जो राइट साइड वाली है एक मिनट हाँ जी नहीं पहली बात तो ये कि जरूर मतलब इवन इफ प्रेशर इज P1 राइट साइड का तो भी वर्क डन तो हुआ ना उसके अगेंस्ट जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कांस्टेंट तो उसके अगेंस्ट भी तो वर्क डन होता ही है सर तो फिर से लेफ्ट वाली गैस का वर्क डन एक तो स्प्रिंग का वर्क डन हो गया और प्लस जो राइट वाली गैस है इसको पुश किया उसके अगेंस्ट सम हो गया मतलब उसका हाँ ओके सर आगे बच्चों
सर वो स्पीड ऑफ साउंड का वो क्या फॉर्मूला होता था गैसेस के साथ रिलेशन का, ये मेरे को बताना चाहिए आपको बताना चाहिए वो रूट गामा आरटी बाय एम आगे बच्चो कॉम्प्रिहेंशन सी पार्ट बच्चों आई थिंक थर्मो के भी इकट्ठे इतने क्वेश्चंस करके आपको ये आइडिया लगा होगा कि अगेन देयर इज अ फिक्स्ड पैटर्न है ना, कुछ अलग नहीं पूछ सकते बार बार, तो मतलब एक्चुअली मैंने जो आपका मतलब रिवीजन प्लान में ना मेरे को जो था कि पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे ही कराने हैं जो जिन्हें कोई मतलब पता है कि ये तो फिक्स है कि ये चीज आती है तो इसके मार्क्स आ ही जाएंगे हमारे, है ना, और ये पोर्शन स्कोरिंग बहुत है मतलब वेटेज तो इसकी ज्यादा है ही, तो मतलब ये वो चैप्टर्स हैं कि जो जिसका क्वेश्चन तो करना ही करना है, मतलब आपको पेपर चार्ट ही इन चैप्टर्स के क्वेश्चन से करना चाहिए। आगे बच्चो कॉम्प्रिहेंशन में कोई डाउट नहीं है, C9 वॉट इज एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बच्चों, 1/bulk modulus ना, बल्क मॉडुलस किसी भी प्रोसेस का कैसे निकालते हैं हमें पता है, आगे बच्चों बच्चों सबको वो वाला तो पता है ना कंसेप्ट जो मतलब मैंने आपको तब भी बहुत एम्फेसाइज किया था कि बेसिकली क्या यूज करते हैं हम जो इसमें जो थोड़े क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली कि एक तो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको लॉग लेकर डिफरेंशिएट करना अलोंग विद जो प्रोसेस कोई भी गिवन है उसको यूज करना, उसको डिफरेंशिएट कर दो या जैसे भी जिस फॉर्म में भी दिया हुआ है बस वो दोनों यूज करके क्वेश्चन हो ही जाएगा, है ना, मतलब थिंग्स लाइक कुछ भी निकालना हो बल्क मॉडुलस या कोई भी और क्वांटिटी हो गई मतलब वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कुछ, तो वो हमेशा कैसे बन जाता है स्टैंडर्ड आइडियल गैस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके प्लस जो गिवन इक्वेशन होती है उन दोनों को यूज करके, राइट। हाँ मैं खुशी वो भेज रहा हूँ, मेरे पास आ तो गया था मैंने भेजा नहीं, आपको भेज देता हूँ। क्वेश्चन में बच्चों इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा, प्रेशर सेम तो गिवन ही है और दूसरा क्या हो जाएगा टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, तो उससे हो जाएगा
हाँ बच्चों, इन दोनों को यूज करके हो जाते हैं। ओके आगे अच्छा बच्चों, एक ना मुझे याद आया, आपको ख्याल है एक क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज 3 में, जिसमें कुछ इस तरीके से था प्रोसेस। जिसमें हम ये निकालते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, है ना? और एक था, मतलब इसी से ही, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है, जो देखने में बहुत सिंपल लगता है और लेकिन है अच्छा, कि ऐसे पीवी ग्राफ दे दिया, इस ग्राफ की एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब पीवी ग्राफ दिया हुआ है और आपको इस प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालनी है। तो इसमें क्या चक्कर पड़ता है कि ये इन बिटवीन एक पॉइंट ऐसा आता है जिससे, मतलब जहां चेंज हो जाता है प्रोसेस एडियाबैटिक से, मतलब कुछ पार्ट तक हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, कुछ पार्ट तक हीट गेन कर रहा होता है, वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। राइट ये जरूर रिवाइज करना बच्चों, क्योंकि दिस कंसेप्ट इज अनएक्सप्लोर्ड। आपने देखा होगा इतने क्वेश्चंस में कहीं पर भी ये चीज आई नहीं है एडवांस में, तो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ पार्टी वाला क्वेश्चन था, यस। चलो आगे बच्चो, एक बच्चों ये पता नहीं मतलब कब तक ये ट्रेंड फॉलो होगा, ये अभी पता नहीं पिछले एक दो साल से ना, ये जो मैट्रिक्स मैच क्वेश्चंस हैं ये इस फॉर्म में आते हैं, जैसे ये जो आपको एंड में दिख रहे हैं कि चॉइसेस बना के, तो वो बड़ा इजी हो जाता है बेसिकली, तो वो मैट्रिक्स बचता ही नहीं है। तो मुझे याद है अभी पता नहीं कौन से साल की बात है, वो थर्मो का क्वेश्चन था, मतलब थर्मो का ही था, तीन क्वेश्चंस थे, कॉम्प्रिहेंशन था, पता नहीं क्या था, मैट्रिक्स मैच में तीन बनाए हुए थे, मतलब वो सिर्फ एक एक चॉइस चेक करके सीधा आंसर निकल रहा था, तो बिल्कुल ही बोनस था क्वेश्चन में। हाँ जी 2B, तो पीवी स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, तो सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर कंपेयर करना है, तो पीवी स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर दोगे तो वी इंटू टी कांस्टेंट आ जाएगा, और आपको दिया है कि गैस एक्सपैंड कर रही है, तो वी बढ़ रहा है तो टी कम हो रहा है।
बी का, और अब दूसरा बताना है आपको हीट। तो हीट बताने का बच्चों क्या है शॉर्टकट तरीका कि पूरा सॉल्व भी ना करना पड़े, सीधा इस प्रोसेस का सी निकाल लो, सीवी प्लस आर ओवर कुछ था ना, वन माइनस एन ऐसा कुछ। अब हीट तो आपकी जो भी होगी वो एन सी डेल्टा टी होनी है, वन माइनस एम, डेल्टा टी आपको पता चल गया नेगेटिव है, तो बस सी देख लो कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, इससे निकल आएगा। मतलब अदरवाइज ऑफ कोर्स डिराइव करके निकाल सकते हो, बट अगर ये याद ही है तो। हाँ बच्चों और कोई, सब्जेक्टिव सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये बच्चों यहाँ पे भी वही कंसेप्ट आया हुआ है ना, ये तो तीसरी बार रिपीट हो गया भाई कंसेप्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड विच द मॉलिक्यूल्स मेक विद 1 square meter एरिया ऑफ द वेसल वॉल। बताओ बच्चों क्या बन रहा है, ठीक आ रहा आंसर? मतलब इसमें क्या करोगे आप, नंबर ऑफ कोलिजन्स। अच्छा बच्चों एक मतलब दिस क्वेश्चन असाइड, इन जनरल आपको ना ये मतलब डेरिवेशन अच्छे से आनी चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो केटीजी वाली डेरिवेशन है। मतलब आपको काफी क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें कि वो डेरिवेशन यूज हो रही हो। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताओ मुझे, आश्रय का भी अलग आ रहा है आंसर। तो बेसिकली एक स्क्वायर मीटर पे जो फोर्स लग रही होगी वो प्रेशर ही हो गया, वो बननी क्या चाहिए, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड का है, तो मतलब एन कोलिजन्स
पर सेकंड मान लिए, मैं अभी जस्ट लिख रहा हूं उसको, आप पुट करना प्रॉपर फॉर्म में. तो दीज आर, हमें बेसिकली लिखना ये है कि एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल जब उससे कोलाइड करेगा तो वो कितनी फोर्स उस पर एग्जर्ट करेगा. 2 mv अपॉन टाइम इज 1 सेकंड. सर सर हमें सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन बता देने, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो को टकराएंगे. हाँ, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड. तो मतलब हमें सिर्फ मतलब वो बता देने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना जो उसको टकराएंगे डीडी टाइम में. ना ना ना, हर मॉलिक्यूल के कितने कोलिजन्स, सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन्स बताने हैं कि वॉल पे कितने कोलिजन्स हो गए. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं जो टकरा रहे हैं, मतलब कि find the number of collisions per second which the molecules make. So, जैसे कि हम KDG में करते थे, जैसे कि DT time में कितने टकरा सकते हैं molecules by DT कर देंगे. मतलब वही नहीं करना बस. मेरे को तो language से ये लग रहा है कि आपको ये बताना है कि एक सेकंड में एक मॉलिक्यूल कितनी बार टकराएगा दीवार से. सर वो तो एक ही बार टकराएगा एक मॉलिक्यूल, तो वो तो फिर रिबाउंड हो जाएगा उसके बाद में कैसे पता क्या हो रहा है. आपकी वजह से हमारी में सेम ही है एक्सप्रेशन. हाँ, वो बात शायद सेम ही बन जाएगी. हाँ यस, मतलब एक मिनट देखो, जिस तरह मैं कह रहा हूँ आई थिंक वो दूसरी वाली बात वही बन जाएगी. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 2 mv चेंज इन मोमेंटम, इसको अगर हम नंबर ऑफ कोलिजन से मल्टीप्लाई कर दें और हाँ, मतलब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा बस. इससे अगर हम एन निकालें, और इसमें वी क्या पुट करोगे बच्चों? ध्यान से सोच के बताओ कि वी आरएमएस पुट करेंगे या वी आरएमएस पे 6 पुट करेंगे या कोई और फैक्टर. टेक 2 मिनट्स, सोच लो आराम से.
हाँ भाई बच्चों, क्या निकला शोभित? हम ये सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। सर हाँ सर, आपका मतलब फाइनल एक्सप्रेशन ये बना 2 MVN? इसमें मतलब एक तो ये आ गया, एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इनटू जो टोटल नंबर होगा दीवार के साथ। सर सर, हमें तो मतलब नंबर पूछा है, तो हम नंबर नहीं बताएंगे, हम तो मतलब ऐसे तो फोर्स बता रहे हैं 2 MV/T से। नहीं, ये जो एन, हम एन बता रहे हैं सर, हाँ, तो एन ही पूछा मैंने, मतलब इस एक्सप्रेशन से हम एन निकालेंगे ना, वो आंसर होगा हमारा। सर हम एन इस एक्सप्रेशन के बिना भी निकाल सकते हैं? हाँ मतलब वो तो किसी और फॉर्म में बोल लो, बात तो वही है। यस सर। इसका क्या कंक्लूजन निकला जो मैं पूछ रहा था, कि क्या पुट करोगे? V को VRMS पुट करोगे, by 6 करोगे? गोपाल आप क्या कह रहे हो, 6/5 पुट करेंगे? फिर इसके अंदर ना जैसे जो इससे आंसर आता है वो मतलब 1.96 आता है, जो असली है किससे आप मतलब कुछ अगर हम कुछ ना करें सिर्फ इतना ही आने दें, मतलब VRMS यूज करें अगर कल्ला VRMS तो इससे 1.96 आता है, और आंसर जो गिवन है वो 2.34 ऐसा कुछ है। तो ना जो असली आंसर है वो 1.2 गुना है उसका जो हमारा आ रहा है। अच्छा एग्जैक्टली मतलब 1.2 गुना है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा एक शॉर्टकट होता था ना डेरिवेशन में कि 1/6 कर दो, बिल्कुल, तो उसके अंदर मैं ऐसे कह रहा हूँ उसके अंदर 1/5 आना चाहिए। अच्छा आप तो ये कह रहे हो कि जो आंसर दिया है वो कैसे आ रहा है? हाँ मतलब वो ऐसे लेके आ रहा है, n by 5, मतलब capital n by 6 करते थे ना, तो capital n by 5 से नहीं, बट मतलब वो को लॉजिक नहीं बन रहा ना कि वो टर्म वो कैसे ले लें हम जो आप कह रहे हो 1/5 या जो भी 5/6। नहीं 5/6 नहीं, हम तो ये सोचें कि आइडियली यूज क्या होना चाहिए। जो हमारी डेरिवेशन होती थी उसके अंदर हम मतलब n को भूल जाएं, ऐसे करते थे ना कि p equal to 2 mv into आगे लिखते होते थे हम कैपिटल n by 6 into वॉल नंबर डेंसिटी करके सिलेंडर बना के वॉल के साथ। उसके अंदर हम शॉर्टकट में n by 6 करते होते थे। तो उससे मतलब मैंने क्या किया कि अगर हमने n निकालना ना, तो वो जो आगे टर्म आती होती थी वो निकाल लिया, मतलब मैंने और राम ने। वो सिलेंडर की तरह मानकर, हाँ बिल्कुल, तो उसके अंदर n by 6 into number volume number density ऐसे a vdt आता होता था, vrms dt। तो उसके अंदर n by 5 लेकर आता है, capital n by 5। नहीं चलो वो तो एक अलग बात हो गई। पहले तो ये बताओ कि जो मैंने लिखा है और जो आप कह रहे हो, क्या उससे आंसर सेम बनता है? पीछे वाला वो है या नहीं है वो छोड़ो, मतलब ऐसे कह ले हम कि अगर अगर हम इसको अगर मैं V को VRMS पर 6 पुट करता हूँ, तो क्या आपका आंसर और जो मेरे एक्सप्रेशन से आंसर बनेगा वो सेम बनता है या नहीं? अकेले VRMS से सेम बनता है।
मतलब अगर हम वही स्टैंडर्ड लेके चले n बाई सिक्स वाला नहीं, आपने n बाय सिक्स निकाला ना? हाँ मतलब जैसे वो एक डायरेक्शन में कर करके फिर मतलब हमने तो प्रेशर निकाला ना, वो तो मतलब प्रीवियस ही निकाल लिया। चलो एक मिनट में चलता हूँ कि पहले इस केस में क्या आपको क्या लग रहा है, फाइनली क्या लग रहा है आपको कि वीआरएमएस होना चाहिए या वीआरएमएस में सिक्स होना चाहिए या थ्री होना चाहिए? सिर्फ वी आर एम एस ही होगा बच्चों, इजंट इट? कोई बाय सिक्स नहीं होगा, ये सोच सकते हो क्यों? भाई हम तो बात ही ये कर रहे हैं कि कितने कोलिजन हो रहे हैं, राइट? हम कौन सा यहां पे ये कह रहे हैं कि जो टोटल नंबर है उसको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें या कुछ करना है? अब जितने भी कोलिजन हो रहे हैं वो तो वी आर एम एस स्पीड से ही हो रहे हैं ना, क्या ऐसा कह सकते हैं हम बच्चों? बताओ जो कोलिजन्स हमने पहले तो ये कह दिया कि ऑन एन एवरेज हर मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वो वी आर एम एस होती है, करेक्ट? अब वो वी आर एम एस स्पीड जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकती है, ठीक है? तो अब हम ये निकालने लगे हैं कि दीवार के साथ कितने कोलिजन हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, राइट? तो जितने भी टकरा रहे हैं वो तो वी आर एम एस से ही टकरा रहे हैं ना, जिनकी वी आर एम एस की डायरेक्शन ही अलग है वो तो अपने आप ही कहीं और चले गए। राइट श्रीहित, क्लियर हुआ? सर मतलब हम पूरे वेसल की वॉल्स की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल कोलिजन्स ले रहे हैं हम या एक ही वॉल के लिए वी आर एम एस यूज कर रहे हैं? एक वॉल के लिए। ओके सर, हम तो एक वॉल पे निकालने लगे ना प्रेशर। ओके सर। तो ये क्लियर है फिर कि वी आर एम एस यूज होना चाहिए? यस सर। हाँ जी, तो इससे बच्चों क्या आंसर बनता है? सर जो प्रेशर होगा वो तो मतलब वो जो कंटेनर की सारी वॉल्स हैं उनकी वजह से नहीं होगा? नहीं नहीं, सी वो तो हर वॉल के साथ डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं ना, तो हम तो एक का ही लेके निकाल रहे हैं, मतलब हमें सारी वॉल्स को तो कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। सर यस सर, हर वॉल के साथ इक्वल नंबर ऑफ नहीं टकरा रहे हम, ये मान के चलते अजम? हाँ हाँ बिल्कुल सर। अभी आपने कहा कि अलग अलग है। नहीं नहीं,
मैंने ये कहा कि अगर हमें प्रेशर लिखना है तो उसके लिए तो हमें सारे तरफ का लेने की जरूरत नहीं है ना सर, ये प्रेशर सबका मिलाकर नहीं है। मतलब मान लो आप ये एक फेस के लिए निकाल रहे हो तो आपने यूज किया, बिल्कुल यही डेरिवेशन किसी दूसरे फेस के लिए भी यूज हो जाएगी। यस सर। तो मतलब उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, मतलब हम पूरे कंटेनर के ऊपर इकट्ठे तो ये एक्सप्रेशन लगा नहीं सकते ना। नो सर, ये एक्सप्रेशन तो एक ही फेस पे ही अप्लाई कर पाएंगे ना। यस सर। सर तो हमें फिर प्रेशर भी बाय 6 नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रेशर तो हर जगह सेम होता है ना। मतलब आप ऐसे सोचो, ये आपका एक ऐसे बॉक्स है राइट, जो राइट साइड वाले फेस पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इट इज ड्यू टू मॉलिक्यूल्स वैसे स्ट्राइक कर रहे हैं, जो ऊपर वाले पे हो रहा है वो उसके कारण हो रहा है। तो ये सिचुएशन है और हम ये मानते हैं कि हर तरफ सेम होंगे कोलिजन्स। तो आप मतलब कोई भी एक फेस के लिए निकाल लो, वही प्रेशर आएगा, वही नंबर ऑफ कोलिजन्स आएंगे। मतलब हम ये नहीं कहते ना, जो मुझे लग रहा है आपकी बातों से जो आप शायद कहना चाह रहे हो, हमको ये थोड़ी करेंगे कि प्रेशर 1/6 कर देंगे। प्रेशर तो हर तरफ सेम ही एग्जर्ट होता है। मतलब थिंक ऑफ इट दिस वे, ऐसे कह लो कि जो भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, हमने ये मान लिया कि सारे मॉलिक्यूल्स इक्वल डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो जो 1/6 इस तरफ गए उन्होंने इसके ऊपर वो प्रेशर एग्जर्ट कर दिया, जो 1/6 ऊपर गए उसने उसके ऊपर कर दिया, जो इधर गए उन्होंने इसके ऊपर कर दिया, और उसके कारण ही हमने मतलब इसी कारण से हर फेस के ऊपर प्रेशर सेम आ गया। यही डाउट था? कुछ और डाउट था? यस सही। हाँ जी। तो बच्चों इससे आंसर 1.9 आता है राइट, और पीछे शायद कुछ और दिया हुआ है, तो यही आएगा, 1.9 ही बनेगा। गोपाल और राम, क्या आपका भी यही है या कुछ और है? जैसे मतलब n by 6 लेकर तो यही आता है आपके वाली, मतलब मैं की कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली 1.2 आ रहा है उसके। अच्छा, अगर कैलकुलेटर से करते हैं तो एग्जैक्ट पूरा 1.2। समझ गया। आप कह रहे हो कि पता नहीं, मतलब मुझे तो कोइंसिडेंस ही लग रहा है कि वो 1.2 क्यों आ रहा है, और कोई लॉजिक नहीं लग रहा। ठीक है बच्चों, डन सर। सर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें अगर हम टीडी निकालते हैं टेम्परेचर है डी, तो उसमें सर टेम्परेचर है डी वो मतलब 1200 × 2⁻³⁵ आता है। ओके, मतलब सर इसकी मतलब एक रेंज ही नहीं चाहिए, मतलब हम तो मतलब एक रेंज निकाल पाएंगे × 2⁻³⁵। मतलब हम तो सर एग्जैक्ट आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं ये तो पुराना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, उस टाइम पे तो लॉग टेबल देते थे आईआईटी वाले ड्यूरिंग द पेपर। मतलब सर डोंट वरी अबाउट दिस। हां 2⁻³⁵ को लॉग लेके एंटी लॉग करते हैं, तो मतलब हम एक रेंज निकाल पाएंगे स्मॉल सी एग्जैक्ट, तो मतलब डिफिकल्ट। हाँ कोई चक्कर नहीं है ना, ये तो ये 1997 तो पेपर ही सब्जेक्टिव होता था, वहां तो आपके आंसर शीट सबमिट होती थी, तो ये तो उस टाइम का है। अभी आपको यू डोंट हैव टू वरी, वो अपने आप वो देंगे, मतलब अगर ऐसा कुछ आएगा तो वो आपको वैल्यू बता देंगे क्या होगी। ठीक है बच्चों, डन। अच्छा बच्चों एक मुझे ये बात बताओ, मतलब मैं ये आपके एडवांस वाले टेस्ट के बारे में
तो थोड़ा सा सोच रहा था, मतलब दो चीजें हैं इसमें देखो। एक तो मेरे को मतलब फ्रैंकली अभी आपकी वैसे मेंस में भी आप वैसे कुछ लोगों के मार्क्स बड़े पीछे आए हैं, पता नहीं क्यों, और एडवांस्ड में मैंने मतलब वैसे देखा था, मैंने एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं देखा था, मैंने ऐसे इंडिविजुअली आप में से कुछ लोगों के टेस्ट खोल के देखे थे, तो मुझे उसमें भी मतलब कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लगे। वो चार पांच क्वेश्चन तो सीधा सीधा वही गलत ही हो गए सबके, जो मतलब जो मैं बात ही कर रहा था वो तो मैंने फिजिक्स देखा था, केमिस्ट्री में मैंने देखा था कुछ के बहुत कम मार्क्स थे। तो मतलब आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपको एडवांस के टेस्ट की मतलब प्रिपरेशन करने का सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा, या काम आप पूरा नहीं कर रहे हो, या क्या है मुझे एक बार बताओ। एंड अगर ऐसा है तो क्या ये करना चाहिए कि जैसे बच्चों एडवांस के टेस्ट तो वैसे भी जो ज्यादा सेंस बनती है वो उनकी होती है कि मल्टीपल चैप्टर्स के कंसेप्ट्स इकट्ठे इन्वॉल्व हो रहे हो क्वेश्चंस में, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम जैसे पर वीक एडवांस रखने की जगह 2 वीक्स का सिलेबस इकट्ठे डाल के एडवांस का एक टेस्ट बना दें ऑन ऑल्टरनेट वीक्स, मतलब कि पिछले 2 वीक्स का जो भी काम है उसका एक एडवांस का टेस्ट बन जाए। आपको क्या लगता है? चलो पहले तो मुझे एक बार इंडिविजुअली ये बताओ कि मतलब आपको तो आपके मार्क्स का आइडिया है ही, मुझे एक बार बताओ आपके क्या क्या परसेंट बन रहे हैं, परसेंटेज मार्क्स बताओ मुझे टोटल टेस्ट वन में, एडवांस टेस्ट वन में परसेंटेज मार्क्स, करेक्शंस आपको पता ही है जो हैं उसके हिसाब से, एग्जैक्ट नहीं पता तो अप्रोक्सीमेट बता दो, ये मुझे सारे चैट में लिखो बताओ। सर उसमें अभी करेक्शंस के बाद वाले मार्क्स नहीं बता। नहीं बट मतलब आपको ये पता ही होगा क्या करेक्शन हुई है और उसके हिसाब से आपके क्या मतलब मार्क्स कम हुए ज्यादा हुए, ये नहीं आइडिया? सर एक मैथ की मतलब उसको सर ने बताया नहीं कि वो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का एक था। आप ठीक मान लो उसको अपना, फिर बताओ बेस्ट केस सिनेरियो ले लो बच्चों, जो आपको लगता है डाउटफुल है उसको ठीक मान लो, फिर बताओ क्या मार्क्स है, वर्स्ट केस का पता सर वो बता दे। जो है लिख दो, जो है लिख दो, बेस्ट केस पता है तो वो लिख दो, वर्स्ट केस है तो वो लिख दो, परसेंटेज बताना मुझे तीनों सब्जेक्ट्स की मिला के। सिर्फ वो फर्स्ट वाला था कितने मार्क्स का, एक बार बता दो इससे पूछ के। कितने मार्क्स का था भाई बच्चों? फर्स्ट टेस्ट 225, गोपाल बहुत अच्छा, वेरी नाइस, खुशी आपके किस सब्जेक्ट में कम रह गए?
ये गोपाल के अलग है 77%, बाकी सबके 55-57% की रेंज में है। शोभित यार मेरे से मत कराओ, शोभित कैलकुलेशन बता दो कितना बना है। A1 क्या है ये? पहले एडवांस टेस्ट और मेंस वाले दो टेस्ट हुए थे। अच्छा, M1 मतलब मेंस वन। निखिल बताना है आपको कि एडवांस टेस्ट वन में आपके अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज मार्क्स बन रहे हैं। नहीं मेंस के नहीं जरूरत बच्चों, मेंस तो मैंने देख लिया था। मेंस तो आप सबके अच्छे नंबर है मोस्टली, एक दो बच्चों के हैं थोड़े से सिली मिस्टेक्स के कारण कम। तो सी मतलब एज लॉन्ग एज यू आर स्कोरिंग मोर देन 50% स्कोर इज गुड। तो बट ऑब्वियसली उससे जितना ऊपर जाओगे उतना और मतलब ऑब्वियसली उतना ही अच्छा होता जाएगा। मोर देन 50% आप कंसिस्टेंटली ले लोगे तो ये कह सकता हूँ मैं पक्का कि हाँ एडमिशन हो जाएगी पक्का आपकी IIT में। चलो ठीक है बच्चों, फिर मैं ही डिसाइड करूंगा एक बार आपके बाकी टीचर से भी बात करके वो एडवांस वाले क्या करना है, कि हर वीक रखना है या अल्टरनेट वीक रखना है। आई विल सी, बाकी आप काम करते जाओ अपना रेगुलरली। हाँ वो बताओ अब कोई एडवांस टेस्ट में कोई डाउट है तो, जो आपका अभी हुआ था कल परसों। हाँ मैंने एब्सोल्यूट एरर वाला देखा था बच्चों, यस मैंने करेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग ही कराई है। एब्सोल्यूट एरर कैन नॉट बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट एरर की यही डेफिनेशन है कि वो पॉजिटिव ही होता है, मतलब वो मैथ्स वाला ही हो गया एक तरह से। गोपाल वेरी गुड। क्या करूं, टेस्ट खोलूंगा वाला कल वाला।
फर्स्ट क्वेश्चन, वीकर ऑफ हाइट एचेस मेड फॉर मटेरियल कोफिशिएंट इज, सो लीनियर एक्सपेंशन इज 3 अल्फा, उसका अल्फा है, yeah, now the beaker along with its contents is uniformly heated through a small temperature T, the level of liquid will reduce by given alpha is very small compared to 1. हाँ शोभित, क्या डाउट है इसमें? सर इसमें कैलकुलेशन के बाद भी 3 अल्फा आ रहा है, एक्सप्लेनेशन में भी 3 अल्फा गिवन है और इसमें डी दिया हुआ है. सर इसमें ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, इसमें लिखा नहीं, मेंशन नहीं होना चाहिए था कि एक वॉल्यूम का है कि लीनियर का. सर ऊपर तो जैसे लीनियर लिखा हुआ है. आइडियली यस, बट अल्फा दिया हुआ है तो. सर अभी ये वॉल्यूम वाला है कि ये उसका लीनियर का? लीनियर ही हुआ है लिक्विड में. हाँ लिक्विड का जो, नहीं नहीं लीनियर तो नहीं होगा ना ये लिक्विड का. बच्चों वॉल्यूम वाला है. क्या कौन सा है लिक्विड का लीनियर वाला? ठीक है लीनियर वाला है. हाँ लीनियर है तो फिर तो चलो सेंस बनती है कि अल्फा ही है. आप कह रहे हो कि ये, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन क्या. बीकर का हो गया, ये बच्चों तो सेकेंड लास्ट स्टेप है. ये यही बनता है अप्रोक्सीमेट करके. ये तो यही बनेगा. यस सही है, 3 वाला ही आएगा. एक्चुअली जो वो वाला होता है ना, ये जो 6 वाला होता है जो हम वो कहते हैं अपरेंट, वो क्या चीज होती है बच्चों? वो तो ये होता है कि कितना वॉल्यूम बाहर गिर गया या कितना अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम है कंटेनर का, लिक्विड का. तो ये जो किया हुआ है बिल्कुल ठीक किया हुआ है, इसका 3 अल्फा आना चाहिए बच्चों. बी आएगा. सिक्स्थ क्वेश्चन, इसका कुछ और आता है बच्चों? 10 आ रहा है. तो क्लोजेस्ट आंसर ए मार्क करोगे?
सर इसमें आइस का टेम्परेचर नहीं बताया हुआ ना. करेक्ट दिया होना चाहिए. ये क्वेश्चन बच्चों फिर बोनस होगा. आगे आई थिंक ये सॉल्यूशन से क्या लग रहा है देख के कि ये इन्होंने क्या माना हुआ है. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस जीरो ही माना हुआ है. ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस लिखी हुई है ना 0.5 कैलोरी. ये क्या चीज है फिर. ये यहाँ हाफ नहीं आएगा ना फिर. इसका टेम्परेचर दिया हुआ फिर तो वो ये गलत हो गया. तो कम ही आएगा ना फिर आंसर बेसिकली. हाँ इन्होंने ये किया हुआ ना. ये तो ठीक है 100 × 80 हुआ जो उससे आगे लिखा हुआ है वो तो ये माना है कि वाटर का कितना इंक्रीज हुआ तो वो यहाँ तो मान ही आना था. तो इन्होंने जीरो मान के तो ये यहाँ पे गलती है. खैर अगर हम जीरो मान के करते हैं तो आप बता रहे हो कि 10 डिग्री आता है आंसर राइट. तो ठीक है ये तो बोलना सर. आगे बच्चों ट्वेंटी फोर में बताओ डाउट फटाफट. शोभित क्या है सर इसमें लेवल सेम रखने के लिए डेल्टा वी सेम होना चाहिए ना. ना डेल्टा एच जो भी हमने किया. सर इसका पी भी आ सकता है ना मतलब सी पार्ट का जो सी पार्ट है. सी पार्ट है जिसमें सी पार्ट इज ड्रॉप्स. क्यों दिया हुआ है पी क्यों दोनों नहीं आने चाहिए. पी भी आएगा. क्यू है तो पी तो आएगा ही. ओनली क्यू दिया हुआ है इसका. इसका पी क्यू होगा फिर. ट्वेंटी फोर का शोभित वही मेथड होगा एग्जैक्टली जो हमने अभी वो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हाइट वाला. उसको जनरल टर्म्स में कर लो और स्मॉल चेंजेस ही मान लो. सर मतलब आंसर ऐसे नहीं आएगा कि जगह अगर हम टॉप तक फील्ड मानेंगे उसे. नहीं टॉप से तो लिंक नहीं हुआ. मतलब हमने तो बस सीधा वो बनाना है ना कि आप बनाओगे कि हाइट क्या होगी लिक्विड की बाद में कंटेनर के अंदर
v डैश अपॉन a डैश करके और मतलब h डैश आ गया, उसको h से कंपेयर करोगे चलो ठीक है बच्चों, ओके देन। मैं ना टेस्ट का आपको पूछ के मैसेज करूंगा कि फिर टेस्ट आपका, या अगले ही संडे रखते हैं बच्चों टेस्ट आपका, आप जो टेस्ट होएगा वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे होएगा कंबाइंड इन दो वीक्स का, ठीक है। वैसे ही मैं मैसेज करते मैं लेट हो जाऊंगा फिर आप कंफ्यूज रहोगे। नेक्स्ट संडे प्रेजेंट टू वीक्स का कंबाइंड टेस्ट होगा, चलो ओके बच्चों बाय। ये मुझे ना कोई ये शोभित ये करेक्शंस भेज देना मुझे सारी इस टेस्ट की फिजिक्स वाली, मैं अभी करवा दूंगा। बच्चों कोई भेज देना मुझे करेक्शंस, शोभित ने तो डिस्कनेक्ट हो गया, गोपाल आप भेज देना ठीक है ओके।